ओ यारो, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। आज से 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक एस्ट्रॉइड गिरा जिससे उत्पन्न हुए डायनासोर्स। उसके करोड़ों साल बाद हमें दो डायनासोर दिखाए जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी है, हेनरी और ईडा। ईडा ने 3 अंडे दिए हैं, तीनों में से बच्चे निकलते हैं, लीबी, बक और आर्लो। कुछ समय बीतता है और तीनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। कार्लो का नेचर बहुत डरपोक है, ये बहुत जल्दी घबरा जाता है। आर्लो के डैड एक कॉर्न सिलोस बनाते हैं, यानी कि भंडारा घर, जिसमें फसल काटने के बाद रखी जाती है ताकि कोई जंगली फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। और आर्लो के माँ बाप उस पर अपने पैरों के निशान बनाते हैं। इनके बच्चे भी इस पर निशान बनाना चाहते हैं, मगर हेनरी ने ऐसा करने से मना करता है। वो अपने बच्चों से कहता है कि तुम अभी इसके काबिल नहीं हो, तुम्हें पहले इसके काबिल बनना होगा। तुम्हें कोई बड़ा काम करना होगा, ऐसा काम जो खुद के लिए नहीं किसी और के लिए किया जाए, और मुझे विश्वास है कि तुम सब एक दिन ऐसा जरूर करोगे। कुछ समय और बीत जाता है, बच्चे अब जवान हो चुके हैं। बक और लिली तो इस भंडार घर में निशान लगाने के लायक बन गए, मगर आर्लो अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर सका जिससे वो इस पर निशान लगा सके। एक दिन हेनरी आर्लो को भंडार घर की रखवाली का काम देता है, क्योंकि एक जंगली रोज इस भंडार घर से इनका खाना चुरा कर खा जाता है। आर्लो को अगर सच में अपना निशान इस भंडार घर पर लगाना है तो उसे उस जंगली को पकड़ना होगा। आर्लो और हेनरी दोनों उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाते हैं। आर्लो रखवाली करने लगता है, शाम को वो जंगली जाल में फंस भी जाता है जो कि एक बच्चा है, मगर आर्लो उसे मार नहीं पाता और उसे आजाद कर देता है। जब ये बात उसके डैड को पता चलती है तो उसके डैड उसे समझाते हैं, तुम इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, और ये आर्लो को लेकर जंगल की तरफ जाते हैं ताकि उस जंगली को मार सके। मगर मौसम बहुत खराब है, मूसलाधार बरसात हो रही है, और तभी बाढ़ आ जाती है। आर्लो को बचाते हुए उसके डैड बाढ़ में बह जाते हैं। अब हेनरी के ना रहने पर सारा बोझ आर्लो पर आ गया है, क्योंकि उसकी माँ भी हेनरी के जाने के बाद बीमार रहने लगी है। एक दिन आर्लो देखता है कि वही जंगली बच्चा भंडार घर में बैठा छलियाँ खा रहा है। आर्लो अपने डैड की मौत का जिम्मेदार इसी को मानता है और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। इसी भाग दौड़ में वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। नदी का बहाव तेज होने के कारण ये बहते हुए घर से मीलों आगे आ जाते हैं। आर्लो का पैर बहुत ज़्यादा जख्मी है जिसके कारण उसे चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और आर्लो को काफ़ी भूख भी लगी है। वो एक पेड़ से बेरीज तोड़ने की कोशिश करता है, मगर उसका पैर फिसल जाता है जिसके कारण उसका पैर पत्थर के नीचे दब जाता है। वो पैर निकालने की कोशिश करता है मगर नाकामयाब रहता है। बेचारा रात भर ऐसे ही पड़ा रहता है। अगली सुबह वो देखता है कि उसका पैर निकल चुका है, ये वो छोटे जंगली बच्चे ने ही किया है, और वो जंगली बच्चा आर्लो के खाने के लिए कभी गिरगिट कभी कीड़े लेकर आता है। मगर इस बच्चे को ये नहीं पता कि आर्लो मांस नहीं खाता, इसलिए वो उसके लिए बेरीज लेकर आता है जिसे आर्लो बड़े मजे से खाता है। आर्लो को मगर अभी भी भूख लगी है, इसलिए वो जंगली बच्चा उसे बेरी के पेड़ के पास लेकर आता है। मगर इस पेड़ पर एक सांप भी होता है जो आर्लो पर हमला करता है, मगर ये बच्चा सांप को कूट कर यहाँ से भगा देता है। जंगल में कैसे जिया जाता है कोई इस बच्चे से सीखे। आर्लो ये देखकर बच्चे से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है, और तभी यहाँ पर एंट्री होती है स्टेराकोसोरस की, जो कि इस जंगली बच्चे को अपने साथ ले जाना चाहता है क्योंकि इसने बच्चे की बहादुरी देखी है, और ये चाहता है वो बच्चा इसकी रक्षा करे क्योंकि इस जंगल में बहुत खतरनाक जीव है, और जितने भी जानवर आप इसके ऊपर बैठे देख रहे हैं ना, ये सब भी इसकी रक्षा करने के लिए ही है। ये आर्लो से बच्चे का नाम पूछता है, मगर उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए ये दोनों कॉम्पिटिशन करते हैं। बच्चा जिस नाम को सुनकर रिस्पॉन्स करेगा बच्चा उसी के साथ रहेगा। ये दोनों बहुत सारे नाम लेते हैं, और आखिर में आर्लो एक नाम लेता है, सपोर्ट, जिसे सुनकर बच्चा रिस्पॉन्स करता है। तो ये तय हो गया कि बच्चा आर्लो के साथ ही रहेगा। इन दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी हो गई है। रात को ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। आर्लो को अपनी फैमिली की याद आ रही है। वैसे तो ये बच्चा बोलता नहीं है और इसे आर्लो की बात समझ में भी नहीं आती, मगर वो कहते हैं ना, जहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी हो तो आवाज़ की क्या जरूरत है, भावनाएं समझ आ ही जाती है। आर्लो इशारे से समझाता है कि उसके डैड मर चुके हैं, और स्पोर्ट भी आर्लो को बताता है कि उसके मॉम डैड भी मर चुके हैं। उसके बाद ये सो जाते हैं। अगली सुबह तूफान आता है, आर्लो डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है और कहीं एक साइड में जाकर छुप जाता है। अगली सुबह तूफान थम जाता है और स्पोर्ट उसे ढूंढता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। आर्लो यहाँ पर नदी ढूंढने की कोशिश करता है, मगर उसे नदी नहीं मिलती, क्योंकि नदी के साथ साथ चलते ही वो अपने घर पहुँच सकता है। वो कुछ उड़ते हुए पेटरोडैक्टाइल्स को देखता है और उन्हें अपने पास बुलाता है, और उनसे पंजा पर्वत का रास्ता पूछता है जहाँ पर उसका घर है। मगर इससे पहले ये उसको रास्ता बताए, उनकी नज़र स्पोर्ट पर पड़ती है, ये उसको खाना चाहते हैं। आर्लो स्पोर्ट को लेकर यहाँ से भागता है, और उसकी मदद ये दो अच्छे डायनासोर करते हैं। पेटरोडैक्टाइल्स डर कर यहाँ से भाग जाते हैं,
इनका नाम नैस और रैमसी है, ये दोनों भाई बहन हैं, और ये है उनका बाप बुच। ये तीनों अपनी भैंसें ढूंढ रहे हैं। आर्लो कहता है कि स्पॉट आपकी मदद कर सकता है क्योंकि इसकी नाक बहुत तेज है और ये आपकी भैंसों को ढूंढ देगा। सब स्पॉट के पीछे पीछे जाते हैं और उन्हें भैंसों का झुंड मिल जाता है। मगर यहाँ पर रस्टलर्स भी है, इन्होंने ही भैंसें चुराई थी। रस्टलर और डायनासोर की लड़ाई होती है। आर्लो ही बहादुरी से लड़ता है और डायनासोर जीत जाते हैं और ये भैंसों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। ये सब रात को एक साथ बैठे बातें करते हैं। कुछ चटपटी बातों के बाद ये आर्लो को उसके घर तक पहुँचाने का वादा करते हैं और अगली सुबह ये सब यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद आर्लो को पंजा पर्वत दिखता है जहाँ पर उसका घर है, मगर इन डायनासोर को साउथ की तरफ जाना है। वो आर्लो को अलविदा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। आर्लो और स्पॉट खुशी खुशी आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद बस अब थोड़ा सा रास्ता और तय करना है, मगर तभी एक जंगली आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ कोई जंगली खड़ा दिखाई देता है। स्पॉट उसकी तरफ जाने लगता है मगर आर्लो उसे उठा लेता है और घर की तरफ बढ़ता है। मगर अभी तक आर्लो अपने डर का सामना करना तो सीखा ही नहीं है, तो ये कहानी इतनी आसानी से ख़त्म कैसे हो सकती है। एक बार फिर से तूफान आता है और इन पर हमला करते हैं पेट्रोडैक्टल्स, जो पहले भी स्पॉट को खाने की कोशिश कर चुके हैं। ये आर्लो से स्पॉट को छीन कर ले जाते हैं और आर्लो को नीचे फेंक देते हैं। आर्लो के सर पर एक पत्थर गिरता है और वो बेहोश हो जाता है और वो एक विजन देखता है जिसमें उसके डैड हेनरी है, मगर वो कुछ कहते नहीं है, बस आर्लो घर की तरफ ले जाने लगते हैं। वो अपने डैड से कहता है, मैं अभी घर नहीं जा सकता, मुझे स्पॉट को बचाना है, जिस पर उसके डैड बहुत खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं जानता था तुम एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा करोगे, अपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए, मुझे तुम पर गर्व है, और वो गायब हो जाते हैं। आर्लो की आँख खुलती है, वो स्पॉट को बचाने के लिए दौड़ता है। उसे स्पॉट की आवाज़ सुनाई देती है। आर्लो उस आवाज़ की दिशा में भागता है और देखता है ये सब स्पॉट को खाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर स्पॉट अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा था ना कि जंगल में कैसे जिया जाता है, वो कोई इस बच्चे से सीखे। आर्लो इन पक्षियों से लड़ने लगता है। वो चार पक्षियों को तो हरा देता है, अब सिर्फ एक पक्षी बचा है। आर्लो पहली बार बहुत गुस्से में दहाड़ता है जिससे ये पक्षी डर जाता है, और मौका देखकर स्पॉट उसका एक पंख फाड़ देता है, जिसके बाद ये उड़ नहीं पाता और नदी में बह जाता है। बाढ़ एक बार फिर से आती है, मगर इस बार आर्लो डरता नहीं है। वो स्पॉट को बचाने के लिए बाढ़ में ही कूद जाता है। स्पॉट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आर्लो तैरता हुआ उसके पास आता है और उसको पकड़ लेता है। तभी एक बड़ी लहर इन दोनों को वाटरफॉल से नीचे नदी में गिरा देती है। आर्लो स्पॉट को बाहर निकालता है। स्पॉट होश में आता है। आर्लो भी ठीक है और स्पॉट भी। देखा, आखिरकार आर्लो ने अपने डर पर जीत हासिल कर ही ली। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। एक बार इन्हें फिर से जंगलियों की आवाज़ सुनाई देती है और एक बुजुर्ग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आता है। ये स्पॉट के कुछ नहीं लगते, मगर इन्हें स्पॉट में बड़ा इंटरेस्ट है क्योंकि ये भी उनकी तरह ही है। ये इसको अपने साथ रखना चाहते हैं। चलो, स्पॉट को अपने माँ बाप और भाई बहन तो मिल गए, मगर जहाँ मिलन है वहाँ किसी न किसी से जुदाई भी तो होती है। आंखों में आंसू लिए आर्लो और स्पॉट एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। स्पॉट चला जाता है और आखिरकार आर्लो अपने घर वापस आता है और अपनी पूरी फैमिली से मिलता है। तो अब बारी है भंडार घर में निशान लगाने की। वो कहते हैं ना, जिन्हें लोग नकारा और निकम्मा समझते हैं उनके हाथों से एक दिन कुछ बड़ा होता है। तो बस फिर यहीं पर होता है इस कहानी का अंत। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।